Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare मैया की जय श्री रमण बिहारी लाल की जय सब संतन की जय। अत्यंत आनंद की बात है कि आज समस्त कुंभ के इस पावन पर्व में विभिन्न संत महात्मा मंच को जो सुशोभित कर रहे हैं और हमारे देश के विभिन्न स्थानों से लोग यहां पर शुभकामना प्रदान करने के लिए पधारे हैं, ये सब हम सभी के अत्यंत प्रिय गीता मनीषी परम श्रद्धेय पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज के षष्ठी वर्ष प्रवेश के उत्सव को मनाने के लिए सब लोग यहां पर आए हैं। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः, ऐसा हमने पढ़ा था। पुत्रोत्सव भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत महान उत्सव माना गया। साधु महात्मा अब किनके पुत्र रह जाते हैं, किंतु भगवान महादेव और भगवती शक्ति के तो पुत्र है ही, इसलिए भारत माता के एक महान सपूत का 60वें वर्ष में प्रवेश होते समय यह जन्मोत्सव मनाने का शुभ पर्व आरंभ हो रहा है और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए विभिन्न संत महात्मा अनेक पूज्य जन यहाँ पर पधारे हैं। आरंभ में ही परम पूज्य गुरुदेव का अनुग्रह और उनकी अनुमति प्राप्त करता हुआ मैं समस्त महात्माओं से प्रार्थना करूंगा। सर्वप्रथम जिनको परसों ही हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी महाराज ने जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत किया, ऐसे कार्षणी पीठाधीश्वर पूज्य जगत गुरु प्रातस्मरणीय श्री महाराज जी स्वयं दीप प्रज्वलन के लिए पधारेंगे और उनके साथ श्री महंत पंचायती अखाड़ा के परम पूज्य श्री महेश्वर दास जी महाराज, परम तपस्वी बाबा कल्याण दास जी महाराज, निर्मल पीठाधीश्वर श्री ज्ञानदेव सिंह जी महाराज और
और अन्य समस्त पूज्य संत महात्मा जो अनुग्रह करने हेतु यहाँ पर पधारे हैं, वे पधार करके दीप प्रज्वलित करके अगले कार्य का शुभारंभ करेंगे। चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च मुखाद्वीरजायत स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो त्रिवर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। जुखाणः सूर्यभेत सुवाहा उपपरायन्तो अध्वारं मन्तरं भोचे मग्नाये आरे अस्मे च शृण्वते अग्निर्मूर्धा देवाः काकुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागोरेता कोशे जिन्वते सहमादाय धियै ओभादातारा बिंदरा प्रज्वलन के पश्चात सर्वप्रथम परम पूज्य श्री महाराज जी ने आज प्रातःकाल स्वामी जी महाराज को ले जाकर के भगवान महाकालेश्वर का अभिषेक करवाया, भगवती हरसिद्धि माता का पूजन करवाया। वैदिक परंपरा के अनुसार जिस प्रकार अष्ट चिरंजीवों का पूजन होना चाहिए, आज जिस पद्धति को लगभग बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, लेकिन वह भी पूजन पूज्य महाराज जी ने करवाया। ये मुझे इसलिए पता है कि जब मेरा जन्मदिन प्रयाग में कुंभ के अवसर पर ही पड़ा था, पूज्य महाराज जी ने मुझे बुला करके ये सब करवाया था। वैदिक प्रणाली के अनुसार ये सब कुछ करवाने के पश्चात और अगली वांग्मयीन पुष्पार्चना आरंभ होने से पूर्व
मैं पूज्य महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार इस मूर्ति को अलंकृत भी किया जाना चाहिए, इसलिए एक बार अल्प सत्कार करके और तब अपनी भावार्चना का आरंभ होगा। और ठीक है, और उस समय हम लोग गान भी करेंगे। सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव, सुदिनं जन्मदिनं तव, भवतु मंगलं जन्मदिनं, भवतु मंगलं जन्मदिनं, सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव, सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव, भवतु मंगलं जन्मदिनं, भवतु मंगलं जन्मदिनं। मैं कहूंगा जन्मदिन, आप लोग बोलेंगे मंगल हो। जन्मदिन मंगल हो, जन्मदिन मंगल हो, जन्मदिन मंगल हो। महाकालेश्वर भगवान की जय, श्री रमण विहारी लाल की जय। ठाकुर जी का और समस्त संतों का पूजन पूज्य महाराज जी के द्वारा श्री गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के द्वारा होगा। इन समस्त संतों का स्वागत पूजन प्रणाम पूर्वक वे कर रहे हैं, और उसके पश्चात भगवत भूषण श्री ठाकुर जी अपनी वाणी से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में महाराज जी के जन्मदिन पर उनको शुभाशीष एवं मंगल कामना देने वाले के लिए अनेकों अनेक महंत विभूतियां पधारे हुए हैं। परम पूज्य गुरु शरणानंद जी के निश्रा में हो रहे कार्यक्रम में श्री महंत महेश्वर दास जी, कबीर संप्रदाय से आचार्य विवेक दास जी, श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी, तपस्वी बाबा महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी, पंच परमेश्वर के महंत श्री संतो महंत श्री आचार्य श्री संतोषानंद जी, आचार्य श्री श्याम सुंदर दास जी, पूज्य परम पूज्य कल्याण दास जी एवं विजय कौशल जी एवं कृष्णचंद्र ठाकुर जी यहाँ पधारे हुए हैं। परम पूज्य महाराज श्री ज्ञानानंद जी सभी का सम्मान करके उन्हीं से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। Thank you.
श्री महाकाल की छवि का भी अर्पण कर रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी अभी मंगल कामनाएं अपनी वाक पुष्प से प्रदान कर रहे हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मंच पर विराजमान जिनकी वात्सल्यमयी छत्र छाया में कुंभ महापर्व के इस पवित्र वेला पर यहाँ पर अनेक भक्ति अनुष्ठान प्रवचनामृत आदि हो रहे हैं, उन परम पूज्य महामंडलेश्वर कार्षणी स्वामी गुरुसनंद जी महाराज के चरणों में अनंत प्रणति निवेदन करता हूँ। विराजमान समस्त संत महात्मा विद्युत बरिण्य महानुभावों के चरणों में अपनी विनम्र प्रणति निवेदन करता हूँ। आज आनंद और हर्ष का मंगलमय अवसर उपस्थित हुआ है। हम सबके परम लाडले जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को संपूर्ण विश्व में एक नया आयाम देते हुए गीता की गहन भावनाओं को गोविंद के मुख से निस्सृत श्रीमद् भगवत गीता के गहन अर्थों को एक सरल सहस भाषा में प्रस्तुत करके लोगों को जियो गीता के माध्यम से जीने का एक सुंदर मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे परम वंदनीय गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का आज 69 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और 60 वर्ष में आपका प्रवेश हो रहा है। इससे बड़ा आनंद और क्या होगा। जैसे परमात्मा के जन्मोत्सव पर उनकी जन्म तिथि पर हम लोग आनंद उल्लास और उत्सव मनाते हैं, ऐसे ही परमात्मा के परम लाडले भगवान कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानंती नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते हैं संत मेरे हृदय हैं और मैं संतों के हृदय में निवास करता हूँ। मेरे बिना वे कुछ जानने का प्रयास नहीं करते और मेरी वाणी को ही जन जन में प्रचारित प्रसारित भावनात्मक रूप में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे संत मुझे बड़े प्रिय होते हैं। आज महाराज जी का प्राकट्य दिवस महोत्सव है, हम सब लोग उल्लसित हैं, आनंदित हैं, आह्लादित हैं, प्रमुदित हैं। संतों के जन्मदिन का उल्लास में उत्सव मनाते हैं, इससे हमारे अंतर हृदय में परमात्मा की प्राप्ति होती है, भगवान प्रकट होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के इस 60 वर्ष में प्रवेश के महामहोत्सव के उपलक्ष में मैं उनके चरणों में अनंत अनंत प्रणति निवेदन करता हूं और भगवान महाकाल श्री राधा माधव के चरणों में अनंत अभ्यर्चना करता हूं कि महाराज जी ऐसा ही यशस्वी जीवन जिए। वो एक कहावत आती है ना साधारण सी, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50 करोड़, ऐसे ही महाराज जी अनंत वर्षों तक पूरे समाज का, राष्ट्र का, अपने धर्म का कल्याण करते रहें, लोगों को कृष्ण कृपा के माध्यम से, जियो गीता के माध्यम से गोविंद चरणों में उनकी अनुरक्ति जागृत करते रहें। उनके चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, जय श्री कृष्ण। पंडित जी ने हमारे सबकी भावना प्रकट कर दी कि महाराज श्री का आयुष्य अखंड हो। अभी अभी जैसे बताया कि साधुओं के चरित्र बड़े सरल होते हैं और वो धर्म के गूढ़ रहस्य को प्रकट करके धर्म में जो कुछ कन्फ्यूजन होता है उसको स्पष्ट करते हैं। ऐसे ही विद्वान कबीर संप्रदाय के आचार्य काशी से पधारे हुए कबीर चौरा की जो मेन पीठ है
उसके आचार्य श्री कबीरदास जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे विवेक दास जी हमारे बीच में हैं, विवेक दास जी के श्री चरणों में मैं निवेदन करूंगा कि संक्षेप में महाराज श्री को आशीर्वाद प्रदान करें। इस उज्जैन के महाकुंभ पर्व पर गुरु कार्शनी के महाशिविर में महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी और महामंडलेश्वर श्री गुरु सनातन जी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि गीता मनीषी जो महापुरुष गीता के जीवन को जीते हों, ऐसे मनीषी को 60 साल नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में 100 साल जीने की कामना करते हैं। मैं गीता मनीषी महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी को 100 साल से भी ऊपर जीने की अपना कामना करता हूं कि संत हैं उसकी जीने की कोई सीमा नहीं होती, योग बल पर स्वच्छा मृत्यु होती है, वो हजारों साल तक जी सकते हैं। और हमारे गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी, वैसे हमें कबीर के एक पद को लेकर के मैं उनको बहुत कि जब हम कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हसे हम रोए, तो श्री ज्ञानानंद जी गीता के माध्यम से ऐसी करनी करेंगे कि जीवन भर जब तक हमारी भारतीय इतिहास और परंपरा और संस्कृति रहेगी तो स्वामी ज्ञानानंद जी को याद करते रहेंगे। मैं इन्हीं आशीर्वाद के साथ फिर स्वामी ज्ञानानंद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ कि ये 100 साल से ऊपर जीने की कामना करें और जो गीता हमारे भारतीय संस्कृति के स्तंभ धरोहर है उसे दुनिया के मंच पर फैलाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। इसी क्रम में हम हमारे साथ में बैठे हुए महामंडलेश्वर श्यामदास जी महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन करेंगे इस आशीर्वाद समारोह में महाराज श्री को आशीर्वाद प्रदान करें। श्यामदास जी महामंडलेश्वर जी। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी परमात्मा परमानंद जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं और आपके साथ दीदी पूजनीय साध्वी प्रथमभरा दीदी भी यहाँ पर पधारी है। ये सब पूज्य महाराज जी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और इसके पश्चात मंचस्थ समुपस्थित अर्चनी वंदनी सभी पूज्य चरण संतजन, काष्ठ पीठाधीश्वर जी महाराज, पूज्य बाबा जी और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ उपस्थित हैं, ऐसा सौभाग्य जैसा स्वामी ज्ञानानंद जी को जन्मदिन मनाने का मिला शायद बिरले लोगों कभी कभी सदियों में मिलता होगा, जहां पूज्य जनों के संत चरणों के आशीर्वाद की छत्र छाया हो और भक्त जनों की उपस्थिति हो। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं
कि भगवान दीर्घ जीवन के साथ साथ दिव्य जीवन दे। मनीषी जी दिव्य जीवी होकर के और दीर्घ काल तक जिए और सबको आशीर्वाद प्रदान करें। ओम शांति। पूज्य महामंडलेश्वर श्री प्रणवानंद जी महाराज से हम अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे महाराज जी को आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज जी को आशीर्वाद देने के लिए सभी संत यहाँ बड़े भाव से पधारे हैं। महाराज श्री ज्ञानानंद जी से निवेदन करता हूँ कि सभी मंतों का सत्कार, सभी संतों का, इन सभी संतों का सत्कार करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के श्री चरणों में अपने वैदुष्य और अपनी वाणी से सभी को अत्यंत प्रभावित करने वाले और राम जन्मभूमि के कार्य में सर्वाधिक अपनी प्रतिभा से न्यायालय को चमत्कृत कर देने वाले पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं और महाराज जी ने उनसे अभी अभी आशीर्वाद ग्रहण किया है। युग पुरुष महाराज जी, युग पुरुष स्वामी महामंडलेश्वर परमानंद जी से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा राम चंद्र की जय। इस पवित्र पावन गुरु काशनी सेवा शिविर में पवित्र पावन इस मंच पर सरदर्शन भेष भगवान की पावन उपस्थिति में, महाराज श्री की पावन उपस्थिति में आज बड़ा ही मंगलमय दिवस है। कुंभ मेले का पावन अवसर है और हमारे परम सम्माननीय अर्चनीय वंदनीय गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज श्री का 59वां उनका जन्म दिवस पूरा हुआ है और 60वें वर्ष में वो प्रवेश कर रहे हैं और आपने गीता मंदिर का जो संकल्प लिया है कुरुक्षेत्र में, वो गीता मंदिर भी आपका साकार हो और आपका जीवन मंगलमय हो, भारती मनीषा के लिए काम आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। महाराज श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और अभी मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि जगत गुरु राम कमल दास वेदांती जी का भी सम्मान करें। वो यहाँ वेदांती जी यहाँ पधारे, वो उनका भी सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें।